Pago! Samhagar! मेरे पास बताना। मिंग चेंगहुआ के दौर में जब पश्चिम क्षेत्र की स्थापना हुई, उन्होंने लोगों को भर्ती करना शुरू किया। बड़े बड़े व्यापारों से लेकर छोटी दुकानों तक पूरे देश भर में उन्हीं का राज्य था, जिसमें शांजी का हमारा छोटा सा शहर झैने भी शामिल था। बदकिस्मती से हमारे हो के सैनिकों को भी उन्होंने भर्ती करवा के कब्जे में कर लिया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एक ना एक दिन हर चीज का अंत होता है। हम भाई जैसे रहते थे। मैंने तुम्हें मेरे सगे भाई से भी बढ़कर प्यार दिया। मैंने भी आपको हमेशा एक बड़े भाई की तरह माना है। जब वक्त मिले तो जरूर आना, तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ, मुझे भी। निराश नहीं होते, चलो पीते हैं। आए बस एक आखिरी प्याला तुम्हारे साथ। इतने सालों बाद भी हमारे व्यापारी सैनिक अभी भी तुम्हारे पास हैं। इसका क्या करें? चिंता मत करो भाई, ये सब मैं देख लूंगा। ये देखिए, मैंने इसकी अच्छी जांच पड़ताल की है, सब ठीक ठाक है। तुम कितने वफादार हो। ये मेरा काम है, मेरा काम है। बस एक ही? और क्या? क्या तुम अपने भाई पर भरोसा नहीं करते? भाई, क्या तुम सच में जा रहे हो? अगर हमें पश्चिम क्षेत्र पर काम करते रहना है तो मुझे जाना होगा। चलता हूं, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। साहब, ये हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। मार दो। जी साहब। अपना सामान बांधो, हमें जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? हु के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अगर मैं जा रहा हूं तो उन्होंने मेरे पैसे काटने चाहिए थे, उन्होंने मुझे डांटना चाहिए था। ऐसा ना करके वो मुस्कुरा रहे थे, जरूर दाल में कुछ काला है। जल्दी। चलो जल्दी उठो, हमें निकलना है। चलो ये कपड़े पहन लो, जल्दी करो। ये लो बेटा। लकड़ी का कछुआ? तुम्हें अच्छा लगा? जी हाँ। ये छोटा सा कछुआ मैंने बनाया है, इसे अपने साथ रखना, वो किस्मत बदल देगा। इसे कभी भी अपने से जुदा मत होने देना, इसकी सुरक्षा करना, समझ गए? ये तुम्हारी रक्षा करेगा जब तुम मुसीबत में रहोगे, समझ गए? अब ध्यान से सुनो, हमें ये जगह
अभी इसी वक्त छोड़नी पड़ेगी। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर हमें बीच रास्ते में कुछ हो गया या फिर हम बिछड़ गए तो इसे लेकर ज़ेनन शहर ले जाना। पश्चिमी सैनिकों को देकर मासी को ढूंढना, ठीक है? क्या तुमने ज़ाओ मासी को देखा है? हाँ देखा है। पापा की बात याद रखना, चाहे जो कुछ भी हो जाए एक बात याद रखना कि स्वस्थ और तंदुरुस्त रहो। देखो जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे तो ईमानदार और बहादुर बनना, समझ गए? चलो पीछे के दरवाजे से जल्दी। पीछे हटो, पीछे। भागो, संभल कर। मेरे पास मत आना। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ पश्चिम क्षेत्र में आओगी? बताओ मुझे। हमारे व्यापारी सैनिकों का एक ही मकसद था, लोगों को बचाना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुम्हारे हाथों में कितने लोगों का खून है पता है तुम्हें? कोई और चारा नहीं था। लेकिन मेरे पास है, मेरे पास है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मार दो। No.
सब कुछ नहीं मिला, सब कुछ नहीं मिला। पिताजी, साहब मुटोंग के बीवी के पास नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पापा जरूरी सामान कहां रखते थे? क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ दिया था? चलो मुझे दिखा दो। पकड़ो उसे। इस बच्चे को मार डालो। जी हाँ। जल्दी। हिलना मत। वो वहां है। उसे छोड़ना मत। ठीक 5 बजे सूरज निकलेगा तो जल्दी सोकर जल्दी उठ जाना ताकि पूरे दिन स्वस्थ रह सको। ठीक 5 बजे सूरज निकलेगा तो जल्दी सोकर जल्दी उठ जाना ताकि पूरे दिन स्वस्थ रह सको। हाँ तो बताओ ये जो आप तो कितने की है? अच्छी हूँ। बहुत अच्छी है, एक बार लो तो। आप कहाँ जा रही हैं? अब यहाँ आई। एकदम मजेदार चीज है, खरीद लीजिए, आप ही के काम आएगा। अरे खरीद लीजिए। अरे कहाँ जा रहे हैं? तुम परेशान मत हो। अरे भाई साहब एक क्या पता किसका बच्चा बच्चा है ये? एक बार खाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा आपको। खाइए खाइए आ जाइए। तुम कहां से आए हो बच्चे? हटो। अब निकलो यहां से। कितनी आलसी हो, तुम्हारा सर फोड़ने का मन करता है। चालाक मत बनो, सबके जूते साफ करवाऊंगी। कौन है? वही छोटा भिखारी होगा। हाँ, मैं उसे लेकर आता हूं। वो कहाँ गया? क्या है ये? दूर जाओ मुझसे। हटो, दूर जाओ मुझसे। छोड़ो। आखिर तुम हो कौन? अरे छोड़, जल्दी रुक जाओ।
मुशाओ तुम? जाओ मासी। तुम्हारे पापा कहाँ है? तुम्हारे माँ पापा दोनों नहीं रहे? तो पापा ने मुझसे मिलने कहा? आओ, शाओ मासी का घर अपना घर समझो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। रोना बंद कीजिए, रोते हुए तुम अच्छी नहीं लग रही। आखिर क्या बात है, क्या वो छोटा बच्चा आपको परेशान करता है? तुम कुछ नहीं जानते, अगर तुमने उसको छुआ भी तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, समझे तुम? उस बच्चे के पिताजी मेरे बड़े भाई मुटोंग थे, मैं उन्हीं के साथ पली बड़ी हूँ। बहुत सी चीजें हमने साथ में सीखी है, हालांकि हम एक परिवार नहीं है, पर फिर भी वो मेरा परिवार है। उसका बेटा मतलब मेरा बेटा, समझे तुम? समझ गया, मैं उस बच्चे के सोने का इंतजाम करता हूँ। सैनिकों को पढ़ना लिखना आना चाहिए। वो बच्चा अलग है, उसे अच्छे से सिखाना, अगर नहीं तो फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जी जी। इधर आओ, अपने दोनों हाथों के साथ नीचे कसकर पकड़ना। हाँ चलो जल्दी पकड़ो, एक दो तीन चार पाँच। तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, यही आया था हमारे पास कुंग फू सीखने। आओ, शाओ मासी ने तुम्हारे लिए गुरु ढूंढ लिया है, आज से तुम इन्हीं के साथ पढ़ाई करोगे। पर मुझे नहीं सीखना। लेकिन क्यों? मुझे कुंग फू सीखना है। पहले पढ़ाई करो, कुंग फू बड़े होकर सीखना। मैं बदला लूंगा, पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। तुम मुझे कुंग फू सिखाओ। मैं नहीं सिखाऊंगी, पहले तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी होगी। आप नहीं तो ये लोग सिखाएंगे। हाँ? देखा तुमने, यही सीखना चाहते हो ना तुम? सैनिक फौज में शामिल होने के लिए तो ठीक है, मैं सिखाऊंगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें भी मार खाना होगा इन्हीं लोगों की तरह। फिर शायद तुम इस जगह से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। अगर तुम बदला लेना चाहते हो और जिंदा बाहर आना है तो दिमाग लगाना होगा, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा, रणनीति के तरीके सीखने होंगे और उसका अभ्यास भी। समझ गए तुम?
तुम्हें अपने दिमाग को होशियार बनाना होगा अगर तुम्हें कुंफू में माहिर होना है तो। फैसला तुम्हारा। ये देव, हम जैसे गुरु लोग हमारा एक छोटा नाम होता है। मैं तुम्हें ये देव बुलाऊंगा। ये दे इसका मतलब क्या है गुरुजी? ये तुम्हारी मासी ने नाम रखा है, मैंने नहीं। वो चाहती है कि तुम उनका एहसान जो है वो अपने स्वभाव से लौटाओ। ये देखो, अब मैं तुम्हें लिखना सिखाता हूँ। ये याद रखना, एक नेक दिल का, दिल से नेक होना, लोगों से प्यार से पेश आना, दुखी लोगों पर दया करना, यही इंसान को इंसान बनाता है। मैंने नहीं सिखाया, कहां से सीखे तुम? तुमने मेरी कुंफू की किताब पढ़ी? पर मासी, हमारे पास तो ज्यादा किताबें ही नहीं है। यही ये किताबें जो मुझे दिलचस्प लगी, तो मैंने इसे पढ़ना शुरू कर दिया। पर मासी, तुम नहीं चाहती कि मैं ताकतवर बनूं? कुंफू में जीत की चिंता करना मना है। आगे से किताब को हाथ मत लगाना। माफ करना। जाओ, तुम्हें तुम्हारी सजा पता है ना? ठीक है।